हमारे 4 दिन से पानी आता है, 30 मिनट से 45 मिनट तक पानी आता है और पानी बंद हो जाता है, ना प्रेशर से आता है और ना कोई पानी का टाइम है। और सीवरेज जुड़ी हुई है हमारे, उसका बिल पानी के बिल में आ रहा है। हमने काफ़ी बार सर को ज्ञापन भी दिया लेकिन वो भी नहीं कटी है। आज तो हम पानी की समस्या को लेके आए हैं, पानी नहीं आ रहा है हमारे, 4-4 दिन से आ रहा है पूरी गली में। गणेश हाँ मटकी वगैरह गड़े फोड़े हैं, हमारा घर का बैलेंस बिगड़ जाता है पानी की वजह से। आदमियों को बोलते हैं टैंकर मंगवाओ, बोले कि पानी घर खर्चा दें तुम्हारे को, तुम्हारे पानी मंगवाएं, 4 दिन छोड़ के पानी आ रहा है। यो नाम सुशीला महावर, भूपोकाबाड़ा। सर ये बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ समस्या चल रही है कि पानी बिल्कुल टाइम से नहीं आता है एक तो, और कोई फिक्स टाइम उसका नहीं है, प्रेशर भी नहीं आता है, फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी नहीं पहुंचता है। जैसे सर्विस करने वाले हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, टाइम से नहीं जा पाते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, पानी नहीं आया, टैंकर मंगाओ, ये करो, इसलिए इकोनॉमिक भी इकोनॉमिकली है ये नुकसान। आज आपने क्या किया सर? हमने यहाँ पे एक लिखित ज्ञापन दिया है मैम को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे में आएगा पानी, तो अब देखते हैं। जैसे मोहरम की वजह बताइए तो मोहरम के बाद भी देख लेते हैं, मोहरम तो ज़्यादा दूर नहीं है, कर लिए, मटके वगैरह भी फोड़े, मटके फोड़े हैं, सब कराए, लेकिन देखते हैं समस्या का निवारण कब तक होता है। हमारा काम था, हमने अपना काम कर लिया। मैं सुनीता वर्मा, निवासी भोपोकाबाड़ा, अजमेर। कई दिनों से मौखिक फ़ोन करके ये श्रीमान से निवेदन किया जा रहा था कि आप जल की सप्लाई को ठीक करवा दें, इनकी तरफ से कहा गया कि मोहरम चल रहा है इसलिए सप्लाई आप लोगों को मिलेगी नहीं। मेरा कहना यह है कि अजमेर के अंदर स्वतंत्र भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का समान अधिकार बनता है, तो बिसलपुर के अंदर जो बारिश के बाद 315 के ऊपर जो आवक हुई है पानी की, उसके बाद हम लोग नहीं चाहते कि हमें आप 12 घंटे में जल दें या पानी दें, कम से कम 48 घंटे में सप्लाई दें। घरों की ऐसी समस्या हो गई है, जो मेरी माताएँ बहनें इतनी परेशान हैं कि पानी हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई आ रही है, सप्लाई आती है 72 घंटे के बाद में, वो भी आएगी 15 से 20 मिनट, कभी 25 मिनट, प्रेशर होगा कम, पता नहीं समस्या क्या दिक्कत थी। तो अभी हम मिले हैं जिंगन मैडम से, इनको एक लिखित पत्र दिया, ज्ञापन दिया, 7 दिन का समय दिया है, अगर ये आवश्यक कार्रवाई, पानी का प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रही है इसमें टाइमिंग फिक्स करना कि जिस भी क्षेत्र में अगर आप जल दे रहे हो, आप सप्लाई दे रहे हो, जो भी सप्लाई खोलने वाला आपका कर्मचारी है उसको आप पाबंद कर दें कि उसका टाइम फिक्स कर दें, 12 बजे पानी आना, तो 12:15 तक पानी आए और 1 बजे तक पानी आए, वो टाइमिंग से क्या सब सिस्टम से काम करेंगे, पानी को मिसयूज़ नहीं होगा और टाइमिंग से सबकी मांगें पूरी होगी। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इससे बड़ा धरना किया जाएगा। आप तो देख रहे हैं अभी 50 महिलाएँ और कुछ नवयुवक भाई साथ में हैं, और आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर पानी टाइम से नहीं मिला तो। इंडियन ग्रुप से नरेंद्र तुंडवाल।